हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BGMI। और गाइस आज हम अरे खेलने वाले हैं ओनली पिस्टल चैलेंज। देखते हैं मैं यार समझ कैसे नहीं आ आता रहा है। अब ये और मैंने सोचा है कि भाई हॉट ड्रॉप पे उतरूंगा मैं, ऊंच स्टार्टिंग इनकी में है उतरेंगे तो जल्दी किल मिलेगी, ये और जल्दी किल मिलेगी तो बढ़िया मज़ा भी आएगा। चलो ठीक है अब उतर जाते हैं पोच इनकी के लिए। और भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, क्योंकि भाई पिस्टल लेके खेलो यार तो काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि उसमें आप कोई बड़ा स्कोप नहीं लगा सकते, और मतलब समझ रहे हो ना यार, बहुत डिफ़िकल्टी होती है यार। पर तो भी आज हम वो ट्राई करेंगे, और ट्राई करते हैं यार कम से कम टॉप 10 में तो आ जाऊँ मैं, भले ही कैंपिंग करके लाऊँ पर टॉप 10 में तो आ जाऊँ। चलो देखते हैं पिस्टल। चलो ये मिल गई है, लो डैमेज है पर काम चला सकते हैं अभी के लिए। डेजर्ट ईगल ले लेता हूँ यार, उसका थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज है। और 6x क्यों दे रहे? अरे वो बॉट दिखा मुझे, मर जा। चलो निपटा दिया इसे तो। भाई यहाँ पे आसपास पैरों की आवाज़ आ रही है, और भाई ये DP उठा ली, मैं फेंक देता हूँ इसे। पैरों की आवाज़ आ रही है यहाँ पे आसपास, एक बंदा है, AK उठा ले रहा है यार। इसमें ये तो प्रॉब्लम है, सिंगल सेटिंग है कि भाई मिल रही है तो उठा ही लो सीधा, मुझे ऑटो पिकअप बंद कर देना चाहिए था। यहीं कहीं पे आवाज़ आ रही, अरे वो रहा भाई, पीक लेके बैठा है, सिर निकाला तो उड़ा देगा वो मुझे। ओ चलो रश कर रहा है वो, मैं भी उतर जाता हूँ, उसे पीछे से मारूँगा। ओ भाई ये दूसरा बंदा उसे मार रहा है। ओ ओ भाई, अरे बचा लो बचा लो यार, रिलोड हो रही है ये नहीं। ओ भाई मेरी हेल्थ, अरे ओ भाई क्लोज था ये बहुत, दो बंदे अंदर घुस गए थे यार। ओह बड़ी मुश्किल से दोनों को ही मार पाया हूँ मैं, एक तो शायद उसने कम कर दी थी इसकी हेल्थ इसने, मैं मार पाया उसे, पर चलो अच्छा है यार दो किल मिल गई। और ये देखो मेरे पास AKM की स्किन कैसे आ गई, जहाँ तक मुझे याद है मेरे पास AKM की कोई भी स्किन नहीं है भाई। BGMI में ये ग्लिच देख लो, और मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि मेरे पास AKM की कोई स्किन नहीं है, वो ग्लिच की वजह से आई है। देखो भाई साहब नए नए ग्लिच आते रहते यार। चलो फेंक देते इसे। ओ भाई मुझे स्कॉर्पियन मिल गई, अब तबाही मचाएंगे ना भिड़ू, अब मज़ा आएगा। उठा भाई उठा ले, सबके सब बुलेट उठा लो। ओ चलो मार दिए इसे, भागने की कोशिश कर रहा था गधा पर मर गया, उससे सीधी फाइट लेनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्या सोच रहा था, मेरे पास इवन स्कॉर्पियन थी उसे शायद पता नहीं चला। चलो अच्छा है भाई, इतना दुख हो रहा है ना यार, सामने इतनी ज़्यादा लूट आ रही है, इतनी ओपी ओपी गन्स आ रही है, पर मैं एक भी नहीं उठा सकता। अरे फेंक दो यार ये कचरा फेंक दो। इसमें मेरे ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन भी है, मैं ड्रॉप नहीं लूट सकता, क्योंकि यार ड्रॉप में मैं AWM या ग्रोजा देखूंगा यार तो लालच आ जाएगा मेरे मन में, और मैं उसे कैसे ना कैसे करके उठा ही लूँगा और यूज़ भी कर लूँगा, तो ये चैलेंज फेल हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कोई भी गन नहीं उठाऊँगा या ड्रॉप ही लूटने नहीं जाऊँगा।
चलो भाई, यहाँ पे आवाज़ आ रही है मुझे, आगे से शूटिंग हो रही है, सर्कल भी बनने वाला है। ओ भाई, अरे पीछे से भी मार रहा है कोई। अरे ये तो बॉट है, बॉट है ये। चलो भाई ड्रिंक मार लेता हूँ। भाई साहब शॉट गन लेके आ गया था यार, मैं बैरली बचा हूँ यार। ये देखो यार, 6x 6x क्या क्या लेके घूम रहा था, ऐसी चीज़ें देख के मन कैसे ना ललचाए। पर यार क्या कर सकते, ले नहीं सकता यार मैं। चलो निकलते हैं यार यहाँ से, और क्या। यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर। भाई एक भी बंदा नहीं देख। ओ भाई बग्गी की आवाज़ आ रही है, कोई बंदा बग्गी लेके घूम रहा है। चलो दो लोग फाइट कर रहे हैं, हम थर्ड पार्टी बनके फ़ायदा उठा लेंगे उसका। देखते हैं कहाँ पे है। अरे दिख भी तो नहीं रहा है यार, आगे इतना कचरा रखा हुआ है ना, कुछ दिख भी नहीं रहा है। चलो तो भी ट्राई करते यार कि कैसे भी दिख जाए तो ख़त्म ही कर दे उसको। अरे वो रहा ये। अरे चलो ठीक है, गया। भाई साहब स्कॉर्पियन की रेंज भी काफ़ी अच्छी है यार। चलो वेट करते हैं थोड़ा सा, ताकि पता चले कि जोन कहाँ पे बन रहा है और उस हिसाब से हम खेल पाएंगे। जोन हमारे खिलाफ बन गया है। चलो निकल लेते हैं यार। यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर, फिर से जोन बनने का इंतज़ार करेंगे। वैसे हमारा साथ दे। ओ भाई बग्गी की आवाज़ आ रही है, यहीं कहीं तो रुक गई है क्या, शायद रुक गई है वो। भाई मेरे ऊपर कोई रश ना मार दे यार, नहीं तो मुझे ख़त्म ही कर देगा वो। चलो भाई दो जोन और बन गए और दोनों ही मेरे फेवर में नहीं थे, और ये लास्ट वाला जोन भी मेरे फेवर में नहीं है। अभी हम लेटे हुए हैं और अभी मैं सोच रहा हूँ, एक आगे लेटा हुआ है एक बंदा और एक बंदा उस घर में लेटा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले वो घर वाले बंदे को मार दूँ। पर ये आगे वाले से बच के कैसे जाऊँ मैं। यार वो आगे लेटा हुआ है ना यार, उससे मुझे वो हो रही है। चलो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, मतलब थोड़ा नीचे जाके अब मैं क्राउच होके वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, वो मुझे नहीं देख पाएगा शायद। और जोन भी चालू हो गया यार, पूरी गेम में लिटरली मेरे फेवर में एक भी जोन नहीं बना है। चलो ख़त्म हो गया।
वो भाई मेरी हेल्थ देखो यार, 10 हेल्थ पे बच के आया हूँ मैं वहाँ से। हेल्थ लगा लेता हूँ जल्दी। ये ले भाई मर जा। अभी लिटरली मुझे उसकी जगह पता नहीं है कि वो किस जगह पे बैठा हुआ है। ले भाई सारे के सारे मैंने उसके ऊपर फेंक दिए, पर एक में भी वो नहीं मरा। हम दोनों ही स्नेक बने हुए हैं, पता है कि भाई कोई भी एक उठ गया तो वो ख़त्म ही हो जाएगा सीधा। ओ भाई मेरे को बॉम्ब लग गया। भाई उसने मुझे देख लिया है। ओ भाई साहब, लिटरली मैंने पिस्टल वाला चैलेंज कंप्लीट कर लिया, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा यार। उसके पास M249 थी। ओ भाई ओपी गेम प्ले भाई, कमेंट्स में ओपी कर देना ओपी। क्या ओपी गेम प्ले दिखाया मैंने। ओ भाई M249 के सामने मैंने स्कॉर्पियन से विन ली है। चलो गाइस आज के गेम के लिए इतना ही, मज़ा आया चैलेंज करते हुए। आगे और